इसके नीचे हमने सो विल स्टार्ट विद दिस डोर एज अ डायनामिक पोटो वॉल यहाँ पे फंस गया है जिसके ऊपर हमने ACP शीट यूज की है. सो जो एक काजू कतली का शेप होता है उस हिसाब से हमने उसको लगाया है. तो इसके लिए भी गिवन अ ग्रूव हियर. हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एसेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है. और इन दिस एपिसोड हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे द लॉबी ऑफ दिस रेसिडेंस. ऑब्वियसली वी विल सी ऑल द वॉल्स ऑफ द लॉबी एंड वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट द मटेरियल पैलेट एंड द कलर पैलेट एंड द प्लानिंग. ये जो बिल्डिंग है, नाउ दिस एंटायर बिल्डिंग बिलोंग्स टू वन फैमिली. सो हर एक फ्लोर पे एक कोई ना कोई फैमिली मेंबर ही है और ऑन एवरी फ्लोर देयर इज ओनली वन फ्लैट. सो विल स्टार्ट विद दिस डोर. सो दिस इज द मेन डोर. और यहाँ पर इनिशियली जब रॉ स्टेज में साइट थी, जब हमने विजिट किया था, तो यहाँ पर एक डोर था जो एक स्टैंडर्ड 3 फुट का डोर होता है, वैसा डोर यहाँ पे था. बट द क्लाइंट्स वॉन्टेड अ ग्रैंड एंट्रेंस एंड अ बिगर डोर. और उनके माइंड में जो विजन थी उसके हिसाब से दे हैड शेयर्ड एन इमेज विद अस. सो जैसे काफ़ी सारे कंट्रीसाइड हाउसेज में आपने देखा होगा, देर आर 2 डोर्स एंड देर आर ग्लास पैनल. सो समथिंग सिमिलर वॉज देयर इन दैट इमेज. सो उसके ऊपर और जो पूरे घर की कलर स्कीम है, जो थीम है, उसके हिसाब से वी डिजाइन दिस. सो नाउ इफ यू सी देर आर 2 डोर्स एंड द प्लेसमेंट ऑफ द डोर इज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल. सो फॉर एनी डोर और एनी एंट्रेंस टू लुक ग्रैंड, क्या कर सकते हैं, एक तो उसकी साइज बड़ी कर सकते हैं या उसकी प्लेसमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल हो. तो दोनों साइड में यू कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स विच मेक्स इट लुक ग्रैंड. वील ऑल्सो एड अ 3D इमेज. सो यू कैन सी 3D इमेज में जैसा है ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही बना है. सो इन दिस केस यहाँ पर इस डोर के ऊपर हमने वीनियर लगाया है. वील टॉक अबाउट द मटीरियल्स. तो वीनियर लगाया है और ये जो वीनियर है, नाउ इफ यू सी उसको किस तरीके से हमने लगाया. सो जो एक काजू कतली का जो या डायमंड शेप होता है उस हिसाब से हमने उसको लगाया है. सो वी ऑलरेडी न्यू कि हमें क्या चाहिए. और जब हम सिलेक्शन के लिए गए थे तब हम ऐसा ही वीनियर ढूंढ रहे थे जिसमें जो लाइंस है, जो ग्रेन्स है, वो काफ़ी पैरेलल हो. तो फिर आप उसको कट करके आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड बिकॉज द ग्रेन्स आर क्वाइट क्लोज एंड क्वाइट पैरेलल, तो उसके वजह से जब आप उसको कट करके लगाते भी हो तो उसमें इस तरीके का एंगल फॉर्म होता है, वो दिखने में अच्छा दिखता है. तो काफ़ी सारे वीनियर्स देखने के बाद हमें ये वीनियर मिल गया एंड वी वर वेरी हैप्पी विद दिस. ये दोनों पीस के बीच में यू कैन सी देयर इज अ ग्रूव जिसमें हमने मेटल इंसर्ट नहीं डाला है, सिर्फ उसको पॉलिश किया है. नाउ इसके ऊपर इफ़ यू सी ये जो मेटल का डिटेलिंग है, इस तरीके से ये टर्न होता है. नाउ ये जो पूरी मेटल स्ट्रिप है ये एक सिंगल पीस में है. सो ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके का ये जो है, दिस इज़ वन पीस. और ये हमने ऑर्डर करके कस्टमाइज बना के ली थी. तो ये हमने इसके लिए फर्मा भेजा था, जो फर्मे के हिसाब से उन्होंने बनाया था. फिर आके यहाँ पर एक्चुअल हमने लगा के देखा कि ये प्रॉपरली बनाया है, कि हर एक साइड से ऑफसेट वगैरह ठीक है कि नहीं. नाउ दिस इज डिटेलिंग. सो प्रॉब्ली इफ यू आर रेनोवेटिंग अ हाउस और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल दिस माइट बी हेल्पफुल. और इसके लिए हम डिफरेंट हैंडल चाहते थे. इसके लिए यहाँ पर ये एक्चुअल जो हैंडल है ये एक्चुअली कॉर्ड्स है और यहाँ पर हमने और एक जगह पे कॉर्ड्स यूज़ किया है शुरा के ऊपर भी, सी दैट. इसके पीछे वाला ये वाला जो पैटर्न आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ अ 6mm शीट जिसको PVD कोटिंग किया है. और ये भी 6mm की शीट है जिसको CNC कट करके PVD कोटिंग किया है मैट गोल्ड में. और सिमिलर इसके नीचे यहाँ पर यू कैन सी अ की होल. सो इसके काफ़ी सारे रील्स हमने अपलोड किए थे एंड एवरीवन वाज आस्किंग इसका लॉक एग्जैक्टली कहाँ है. सो यहाँ पर इसका लॉक है जो एकदम से क्विकली आपको नहीं दिखेगा. नाउ ये जो सेम फिनिश है, सिमिलर फिनिश वी हैव यूज्ड इन दिस जाली. ये भी CNC कट है और उस तरीके का सेम एंटीक गोल्ड वाला फिनिश इसमें है. इसके पीछे हमने एक LED स्ट्रिप भी लगाई है. और दोनों साइड में डोर के यू विल सी दीज लाइट्स. तो हम चाहते थे कि डोर का जिस तरीके से डिज़ाइन था उसमें वॉल लाइट्स लगाएं, एक तो 2-way लाइट्स हो या इस तरीके के लाइट्स जिसको वो और भी वो और अच्छे से उठ के दिखे. देयर इज अ स्कार इफ यू सी हियर. सो ये क्या हुआ था, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद जस्ट बिफोर द क्लाइंट्स मूव्ड इन, आई थिंक जो यहाँ पे और जो शुरा के ऊपर कॉर्ड्स है उसका कटिंग कर रहे थे और जो ग्राइंडर का ब्लेड था वो टूट गया. ये ऐसे होता है कभी कभी, वो टूट गया और उसका एक छोटा पीस था ना वो उठ के, ये डोर बंद था लकीली, इसके लिए वो अंदर नहीं गया बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इनसाइड एंड बट लकीली बिकॉज ऑफ दिस डोर ये यहाँ पे फंस गया. और इसके लिए यहाँ पर एक मार्क आया है, आई थिंक इसके लिए हमने इसको टचअप किया एंड द पेंटर ट्राई टू मैच द ग्रेन्स. वन थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड कि अगर आप ग्राइंडर से साइड पे जो भी कटिंग कर रहे हो, एक तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग रियली क्लोज टू द ग्राइंडर एंड या यू कैन कीप दैट इन माइंड. 8x4 की जो बड़े टाइल्स आती है वो हमने यहाँ पे लगाई है. और बिकॉज ऑफ द साइज वैसे भी हमें पता था कि उसमें जॉइंट कहीं ना कहीं पे तो आएगा, बट ये जो लाइन है वी वॉन्टेड टू कंटिन्यू दिस लाइन कि वो एक हॉरिजॉन्टल भी लगे और थोड़ा बड़ा लगे, स्पेशियस लगे. इसके लिए सेम जो ग्रूव है हमने यहाँ पे कंटिन्यू की है और उसके ऊपर ये कंप्लीट सिंगल पीस में टाइल लगाई है. ऑब्वियसली जहाँ पे टाइल खत्म हो रही है देयर इज अ जॉइंट, बट जो भी जॉइंट है वो 0 जॉइंट है. इसके नीचे हमने इफ़ यू सी
इसके नीचे हमने जो टाइल्स लगाया है वर्टिकल स्ट्रिप्स में टाइल्स लगाए हैं और इसके बीच में 6 mm का ग्रू जो है जिसको हमने इपॉक्सी से फिल किया है। ऊपर का जो 6 mm का ग्रू था जिसमें हमने अगेन मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। सो ओनली इन दिस हॉरिजॉन्टल ग्रू वी यूज अ मेटल स्ट्रिप, बाकी जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे इपॉक्सी से फिल किया है। सेम पैटर्न हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट टाइल है, जहाँ पे भी जॉइंट आ रहा है वहाँ पे 0 जॉइंट लिया है सो दैट वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। और नीचे जो इंटेंशनली हमने ग्रूव्स किए हैं इपॉक्सी और से फिल किए वो है मेटल स्ट्रिप है टिल द वेरी एंड। नाउ यहाँ पर इन बिटवीन यू कैन सी लिफ्ट के जो कंट्रोल्स है वो है वो इसके एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं। और ये जो फ्रेम है, नाउ इफ़ यू सी ये जो फ्रेम है इसका फिनिश थोड़ा सा डिफरेंट है, बट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप लिफ्ट से बाहर आते हो तो नीचे ये जो स्टोन है ये ऑलरेडी दिया हुआ था और जब हम साइट रॉ थी जब हम यहाँ पे आए थे सो दिस वर्क वॉज ऑलरेडी डन, यहाँ पर भी सेम स्टोन था। नाउ लिफ्ट का क्या होता है, एक बार लिफ्ट के लिए आपने साइड में स्टोन लगा दी और लिफ्ट इंस्टॉल कर दी उसके बाद आप स्टोन चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि ये जो नीचे का स्टोन है हम वैसे ही रखेंगे बट साइड में जो स्टोन है जो दिख रहा है अगेन वो जो है वो स्टाइल के साथ इट वॉजन कॉम्प्लीमेंटिंग, सो वी डिसाइडेड इसको हम सिर्फ कवर करेंगे। तो इसके नीचे सेम स्टोन है जिसके ऊपर हमने ACP शीट यूज़ की है। सो ACP शीट इस तरीके से टर्न करके आप यूज़ कर सकते हैं एंड बिकॉज ये बेज और ब्राउन टोन्स में काफ़ी सारे मटेरियल्स हमने यूज़ किए तो ये जो है दिस इज़ मेटालिक, इट्स नॉट कॉपर बट इट्स मेटालिक ब्राउन एंड इससे तो डार्क है तो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी इसमें मिलता है एंड अगेन फ्रेम्स द लिफ्ट इन अ वेरी मिनिमलिस्ट एंड नाइस वे। सो इस वॉल पे क्या करना है उसके हमने मल्टीपल ऑप्शंस बनाए थे। एक तो हमारे माइंड में था कि हम उसमें ऑनिक्स लगाएंगे, उसको बैकलिट करेंगे, कोई मूर्ति वगैरह रखेंगे। ऑप्शन था जिसमें हमने सोचा था हम फ्रेम्स वगैरह लगाएंगे या कोई 3D आर्ट वॉल पे लगाएंगे। नाउ इन दिस केस मैम इज़ अ प्रोफेसर एंड सर इज़ अ मरीन इंजीनियर, ही इज़ इन मर्चेंट नेवी और उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो एक हमने सोचा था कि अगर हम ऐसे कोई फ्रेम्स लगाएंगे जहाँ पर उनके जो भी फेवरेट फोटोग्राफ्स होंगे अगर वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर पाए, सो वी थॉट एज अ डायनामिक फोटो वॉल जहाँ पर कुछ दिनों के बाद इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द फोटोग्राफ्स वेरी ईजिली। और इसके कॉम्पोजिशन के लिए हमने कार्डबोर्ड पर एक्चुअली ड्रॉ करके डिफरेंट कॉम्पोजिशन हमने वॉल पर ट्राई करके देखे थे, फोटोग्राफ इन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड वो सब हमने देखा था। सो वील ट्राई टू एड योर सो दीज आर द फाइनल फोटोग्राफ्स एंड वी हैड अ हार्ड टाइम सिलेक्टिंग द फोटोग्राफ्स, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स इतने अच्छे थे बट एज आई सेड टेंटेटिवली हमने लगाए हैं, लेटर ऑन इफ दे वांट दे कैन चेंज द फ्रेम्स। और ये जो वॉल है नाउ इसके बैकड्रॉप के लिए वी वांटेड समथिंग सटल बट स्टिल नॉट कम्प्लीटली प्लेन एंड फ्लैट एज आई ऑलवेज से, तो यहाँ पर हमने जिंक पेंट लगाया है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व आपको थोड़े थोड़े वो जिंक पेंट का टेक्सचर दिखेगा। नाउ ये जो है इस शू रैक के लिए हम चाहते थे कि हम जो डोर के लिए विनियर यूज़ किया है सेम विनियर यूज़ करें या सिमिलर मटेरियल यूज़ करें, बट इसके लिए हमने लैमिनेट यूज़ किया है। नाउ ये जो लैमिनेट इट इज़ थोड़ा सा सिमिलर टू द विनियर, यू कैन से एक सेम फैमिली के ग्रेन्स इसमें है और इसमें जैसे उसमें हमने ग्रूव्स क्रिएट किए थे तो इसमें इफ़ यू सी देर आर ग्रूव्स इन द लैमिनेट जिसको हमने पेंट किया है और ऊपर अगेन ड्रॉवर्स एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स बिकॉज वी फेल्ट कुछ भी आपको मिसलेनियस आइटम्स भी रखने हैं तो वो वहाँ पे रख सकते हैं। सो मेन डोर में हमने जो मेटल पट्टी यूज़ की है और उसके साथ वो जो एंटी गोल्ड वाला फिनिश है उसके साथ वी वांटेड टू यूज़ समथिंग जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसके लिए हमने एंटीक हैंडल्स इसमें यूज़ किए और नीचे जो शटर्स है इसके लिए तो हैंडल्स यूज़ किए, नॉब्स यूज़ किए। नाउ इसके लिए हम नहीं चाहते थे कोई भी विजिबल हैंडल्स हो, बहुत ज़्यादा लग रहे थे तो इसके लिए भी गिवन अ ग्रूव हियर तो आप उसको ईजिली खोल सकते हैं और एज ऑलवेज इट इज़ ऑफ द फ्लोर। और नीचे हमने मेटल लेग्स उसको दिए जो उसको मैचिंग हो, वो रेडीमेड लेग्स हमने ला के उसको लगाए। नाउ ऑन ईदर साइड ऑफ द वॉल यू विल सी एक तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट भी है और ये जो है ना ये एक चाकोल की शीट है जो एक आई थिंक 1 फुट बाय 8 फुट की शीट थी। सो ये 2 शीट्स है एक्चुअली जो लूअर्स की तरह ही ओवरलैपिंग करके लगाए जाते हैं और सो दीज आर 2 शीट्स और इसके दूसरे साइड में भी सिमिलर 2 शीट्स हमने लगाए हैं और दोनों साइड में अगेन वी हैव एडेड वॉल लाइट्स। नाउ ये जो लाइट्स है सारे हम गए थे क्रॉफर्ड मार्केट, वहाँ से हमने लिए थे तो एक एपिसोड में यू मस्ट हैव सीन पूरा सिलेक्शन वाला प्रोसेस एंड अगेन फॉर दीज लाइट्स वी स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड बिकॉज वी न्यू ऑलरेडी कि हमें क्या चाहिए एंड इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग व्हेन यू नो व्हाट यू वांट बट द डिफिकल्ट पार्ट इज बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट इवन दो यू कैन सी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस यू आर श्योर अबाउट कि आपको वही चाहिए और वही अच्छा दिखेगा। सो वी आर सुपर हैप्पी विद द एंड रिजल्ट बट या वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन सिलेक्टिंग दीज। यू सी दिस साइड यहाँ पर एक बहुत बड़ी विंडो है लॉबी में एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड कोहिनूर स्क्वायर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कॉफी टेबल और चेयर्स इस तरीके का सेटअप करेंगे, सम काइंड ऑफ सीटिंग वी वांटेड इन दिस एरिया।
और नाउ ये जो पीवीसी के पैनल्स हैं, हमने सोचा था यही सेम पैनल्स हम लोग सीलिंग में कंटिन्यू करेंगे, तो उसका एल फॉर्म होगा यहाँ पे भी और सीलिंग में भी, बट एज आई सेड सीलिंग का काम अभी तक बैलेंस है, तो वी ऑलरेडी हैव द मटेरियल। जब हमने मटेरियल लिया था तो हमने ये उसी क्वांटिटी में लिया था, सो दिस इज समथिंग दैट वीव लर्नड विद एक्सपीरियंस, कि अगर आपको कोई काम बाद में भी करना है और आपको मटेरियल जो लगने वाला है थोड़ा आपने लगा के रख दिया है, फिर भी यू मेक श्योर कि यू बाय द कंप्लीट क्वांटिटी और आप लेके रख दो, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कुछ मटेरियल डिसकंटिन्यू होता है या जो नया लॉट होता है उसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो इसके लिए इट्स बेटर यू बाय द कंप्लीट क्वांटिटी। वैसे ही ऑन दैट साइड विल सी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एडेड अ मिरर, और इसके लिए नाउ इन दिस केस एक तो हम चाहते थे कि इवन दो लिविंग रूम में हमने एक मिरर दिया हुआ है, एंड जो हम हमेशा कहते हैं इट्स बेटर टू हैव, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ गुड बाय मिरर वेर यू कैन यू नो चेक योर सेल्फ आउट, इवन फॉर द लॉबी वी वॉन्टेड टू एड अ गुड बाय मिरर, बट शूरा के ऊपर क्योंकि हमने डिसाइड किया था दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी वैन यू एंटर, सो वो एक राइट पोजिशन थी फॉर द फ्रेम, सो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि मिरर हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे, सो द सेकेंड बेस्ट प्लेस वॉज दिस, हम इस पर एक टॉप टू बॉटम मिरर इस पर ले पाए, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ क्लियर मिरर हमने डिसाइड किया उसको हम एक ब्राउन टिंट वाला मिरर हम इसके ऊपर लेंगे, और इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन है सो एक्चुअली एक सिंगल पीस है, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, ये जो है दीज आर लाइक सुपरफिशियल ग्रूव्स, और ये एक सिंगल पीस है, इसके ऊपर भी हमने वो मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। दैट्स इट, मुझे बताइए कमेंट्स में आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो से देखते हैं पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, और ऑल वीडियोस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, सो हर हफ्ते जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और फ्रेश एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बाय।